हेलो भाइयों, मैं हूँ सक्षम। तो आज भाई हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो रहेगी भाई इसकी स्कॉर्पियो क्लासिक की। अब यार पुरानी वाली स्कॉर्पियो तो सबको पता है कितनी मज़ेदार गाड़ी होती थी, वही वाली स्कॉर्पियो वापस आ गई है क्योंकि भाई बीच में हमें पता है बिग डैडी आ गया था। तो अब बिग डैडी के साथ में आज खड़ी है भाई स्कॉर्पियो, देख लेते हैं अगर भाई तो वही शानदार लुक है, वही सारा कुछ है, बस छोटे मोटे भाई माइनर चेंजेस हैं नई बनाने के लिए, क्लासिक बनाने के लिए। चलते हैं और शुरू करते हैं। तो आगे देख लेते हैं, लोगो चेंज हो गया है, ग्रिल चेंज हो गई है यार, ये वर्टिकल स्पोक्स दे दिए हैं। बीच में देख लेते हैं तो भाई अपने को क्रोम मिल जाता है। बाय द वे भाई लोगों, इसमें ना दो ही वेरिएंट अभी आ रहे हैं, एस और एस इलेवन। अभी हम जो देख रहे हैं भाई एस इलेवन वेरियंट रहेगा, देख लेते हैं। इस तरफ तो भाई अपने को DRL देखने को मिलता है, प्रोजेक्टर मिल जाता है लो बीम के लिए, और हाई बीम के लिए अपना हैलोजन ही मिलता है। देख लेते हैं नीचे तो भाई वापस से अपने को यहाँ पे देखने को मिल जाती है भाई अपनी फॉग लैम्प। और भाई आ जाते हैं बीच में तो नंबर प्लेट का सेक्शन है, नीचे देखते हैं तो एयर पासिंग के वेंट्स। थोड़ी सी और नीचे चलते हैं और देख लेते हैं इधर तो भाई सिल्वर कलर की अपने को स्किड प्लेट देखने को आगे से मिल जाती है। और भाई अब ये जो है ना यार ये डमी रह गया, एयर इनटेक के लिए नहीं है, लेकिन भाई लुक वही है, लुक वही रखने के लिए ये हमें दे दिया है। तो भाई अगर सच बताऊँ ना, देखो बिग डैडी तो लगती है अब, पहले ये गाड़ी लगती थी बड़ी, बड़ी आज भी लग रही है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई बिग डैडी के आगे बिल्कुल छोटी लगती है। अभी मैं एक और वीडियो लाऊंगा भाई फुल कंपैरिजन का, वो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी इसकी बात कर लेते। तो ऐसी कुछ भाई साइड से लगती है, वही स्कॉर्पियो की शानदार दमदार लुक देखते हैं भाई। इस तरफ तो महिंद्रा का लोगो है, ऐसे कुछ अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। बात करें अगर भाई प्रोफाइल की, एक मिनट भाइयों, तो अपने को भाई इसमें प्रोफाइल मिलती है ये 235/65 R17 इंच के भाई अपने को अलॉय व्हील मिल जाते हैं। देख लेते हैं भाई इस तरफ तो इंडिकेटर अपने को फेंडर पे ही मिलता है। इधर देखते हैं तो भाई बॉडी कलर्ड ORVM है, नीचे ब्लैक कलर का थोड़ा सा यूज़ है। इधर देखते हैं तो भाई हैंडल अपने को डोर कलर्ड ही मिलता है, डोर कलर सॉरी बॉडी कलर भाई बॉडी कलर। बीच में देखते हैं तो भाई ये अपने को ब्लैक आउट थोड़ा सा एरिया मिलता है, वही है भाई ग्लास एरिया बहुत बड़ा है तो अंदर वो एरीनेस तो पूरी रहेगी। इधर देखते हैं भाई सस्पेंशन का ट्रैवल देखो कितना है यार, कितना गैप है देख रहे हो, तो मतलब सही है पहले वाले मज़े ये पूरे देगी। लेकिन भाई महिंद्रा ने सस्पेंशन में इंप्रूवमेंट करी है, ये अपडेट महिंद्रा की तरफ से आया है। वापस से भाई इधर देखते हैं अलॉय आ जाता है, इधर भाई अपने का डीजल भरवाने का ऑप्शन देख लेते हैं भाई। इस तरफ तो महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक S11 की बैजिंग, बीच में देखते हैं तो महिंद्रा का लोगो। इधर की बात कर लेते हैं, कोई भी कैमरा वगैरह भाई अभी मेरे को इसमें दिख नहीं रहा है। इधर देखते हैं तो भाई हाई माउंट स्टॉप लैंप मिलता है, डीफॉगर मिलता है, ऊपर वॉशर मिल जाता है और भाई अपने को वाइपर मिल जाता है। देखते हैं इस तरफ तो फुटस्टेप मिलता है, टोइंग के लिए भाई हुक मिलता है, इधर रिफ्लेक्टर है, ऐसी कुछ भाई पीछे से लगती है। एक मिनट भाई ढंग से दिखा देता हूँ, तो ऐसी लगती है ये पीछे से, बड़ी मज़ेदार भाई लगती है। वापस से भाई अपने को भाई इसकी टेल लाइट्स मिल जाती हैं, इस तरह की जो है स्कॉर्पियो अंदर लिखा गया, डिटेल देखो भाई कितनी मज़ेदार इन्होंने दी है, ऐसी कुछ भाई ये है। और भाई इस तरफ देख लेते हैं, वापस से डीजल भरवाने का ऑप्शन यार किसी एक ही साइड है, वो भी अंदर जाके जब चाबी लगाएंगे ना मीटर में बता देगा कहाँ पे है, तो एक साइड है। लेकिन भाई ये पहली गाड़ी है, शायद पहली है, मैं पक्का नहीं हूँ इस बात को लेकर, जो यहाँ पर भी हमें देता है और भाई यहाँ पर भी हमें देता है। भाई ये मेरे को लग रहा है डमी है, शायद उस तरफ से ही भरवाया जाएगा, अभी हम आगे जाके देख ही लेंगे। तो ऐसी कुछ भाई ये गाड़ी लगती है। फटाफट से चलते हैं भाई अंदर और देखते हैं गाड़ी कैसी लगती है। ऐसी कुछ अपने को चाबी देखने को मिल जाती है, लॉक अनलॉक का बटन अपने को देखने को मिल जाता है। इधर देखते हैं भाई भाई साउंड को ऑफ करने का और पार्किंग में अपने को मिल जाए ये फीचर है। इधर भाई अनलॉक करते हैं गाड़ी, और भाई अनलॉक करते हैं अगर देख लेते हैं DRL, तो लुक देखो यार कितनी प्यारी लगती है गाड़ी की जब DRL ऑन हो जाते हैं, ऐसे विंग्स से जल जाते हैं भाई। फटाफट से चलते हैं अंदर, बाकी बातें अंदर जाके करते हैं। खोल लेते हैं डोर, तो भाई ऐसा कुछ अपने को डोर ट्रिम देखने को मिल जाता है, चारों ही पावर विंडो अपने को देखने को मिल जाती हैं ड्राइवर साइड ऑटो के साथ। इधर देखते हैं तो भाई थोड़ा सा स्पेस अपने को देखने को मिल जाता है, इधर हैंडल मिल जाता है और भाई ऐसा कुछ डोर हैंडल है। देखते हैं इधर तो भाई फुटस्टेप अपने को देखने को मिल जाता है। यहाँ पर बात कर लेते तो भाई अपने को हाइट एडजस्ट का फीचर मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है लेकिन भाई हाइट एडजस्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना तो यार हम एडजस्ट कर सकते हैं। स्कॉर्पियो है भाई, मज़ेदार गाड़ी है, दमदार गाड़ी है। इधर देख लेते हैं तो भाई अपने को ORVM के कंट्रोल यहीं से मिल जाते हैं। देखते हैं भाई इस तरफ तो हेडलाइट लेवलर, फ्यूल का कंट्रोल और भाई डीफॉगर। फटाफट से कर देते हैं भाई गेट को बंद, गेट बंद करते हैं। और भाई जो एक चीज़ बतानी रह गई थी वो है भाई कि जो इसके ORVM है वो हाथ से ही फोल्ड अनफोल्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉनिकल नहीं मिलते हैं भाई। फटाफट से भाई लगाते हैं चाबी, करते हैं इसको इग्निशन पे, बाकी बातें करते हैं भाई उसके बाद। गाड़ी को भाई हम कर लेते हैं इग्निशन पे, इग्निशन पे करते ही भाई गाड़ी में आ जाती है जान, वही भाई अपने को मीटर देखने को मिलता है। कुछ कुछ भाई स्लाइट मेरे को अंदर हल्के हल्के से चेंजेस मिल रहे हैं, सबसे बड़ा जो चेंज है भाई वो ये लोगो है, बड़ा प्यारा लगता है भाई अपडेट नो डाउट। इधर देख लें तो भाई अपने को मीटर मिल जाता है, ऐसा कुछ भाई इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है, राइट में स्पीडोमीटर, लेफ्ट में टैकोमीटर, बीच में भाई एक MID है।
देखते हैं भाई यहाँ पे तो ऐसा कुछ इसका भाई डैशबोर्ड लगता है। आगे देख ले तो भाई पूरी बोनेट अपने को पूरा विजिबल है, तो हाँ फील है कि हम ऊंची और बढ़िया गाड़ी में बैठे हैं। अरे भाई एक मिनट, इधर देखते हैं तो भाई अपने को बीच में भाई टच स्क्रीन यूनिट मिल जाती है। इधर देखते हैं तो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, हॉर्न, महिंद्रा का लोगो और भाई क्रूज कंट्रोल अपने को मिल जाता है। यहाँ पे आ जाते हैं तो भाई ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल अपने को इसमें देखने को मिल जाता है। भाई एक मिनट में लाइट ऑन कर देता हूँ। भाई ये फिनिश बड़ी प्यारी लग रही है, ये अभी ऐड हुई है, तो ये जो फिनिश है ना है तो प्लास्टिक की वुडन टेक्सचर में, लेकिन बड़ी अच्छी है। इधर देखते तो भाई फोन रखने की जगह, जो कि एक अच्छी चीज़ है, वर्टिकली आपका फोन खड़ा हो जाएगा। 12 वाट का चार्जिंग सॉकेट है भाई। इधर आप देखते हैं तो 6 स्पीड का भाई अपने को मैनुअल गेयरबॉक्स देखने को मिलता है। यहाँ पे देख लेते तो वही प्रीमियम फिनिश, यहाँ पर वापस से वो मैट है सामान वगैरह रखने के लिए। 2 भाई कप होल्डर्स मिल जाते हैं, कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह बीच में नहीं मिलता है, लेकिन भाई अलग अलग सीटों का अपना अपना है, तो ये ज़्यादा बढ़िया चीज़ है यार बीच से, कि बीच का आपका स्पेस भी एक्सेसिबल है और भाई बढ़िया अपना हाथ रखो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इधर कुछ भाई ऐसा लगता है। बात करते हैं हैंड ब्रेक की, तो वापस से ऐसी मिल जाती है क्रोम टिप के साथ। बात कर लेते हैं भाई डैशबोर्ड की, तो इतना तो स्पेस है देखो कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह आ जाएंगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। स्कॉर्पियो की बैजिंग, ऐसा कुछ भाई इंटीरियर। फटाफट देखें वाइजर्स की तरफ, तो कोई भी टिकट होल्डर या वैनिटी नहीं है। इस वाले पे आ जाते हैं तो भाई वैनिटी मिल जाती है यार, अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखते हैं तो भाई IRVM है अपना डे नाइट वाला। चलते हैं भाई फटाफट पीछे। पीछे जाने से पहले भाई यहाँ पे देखें तो सनग्लास होल्डर अपने को देखने को मिल जाता है। तो भाई अंदर से ऐसी कुछ लगती है अपनी स्कॉर्पियो क्लासिक। चलते हैं भाई पीछे, बाकी बातें पीछे जाके करते हैं। पीछे जाने से पहले भाई एक और चीज़ दिखा दूं, डेडिकेटेड डेड पेडल अपने को देखने को इस गाड़ी में मिल जाता है। खोल लेते हैं भाई पीछे का गेट, तो ऐसा कुछ अपने को पीछे का गेट मिलता है। वही भाई हैंडल भाई खोल बंद करने के लिए, यहाँ पे अपने को फ़ोन होल्डर या छोटी सी स्टोरेज। इधर देखते हैं तो बॉटल होल्डर मिलता है, पावर विंडो का कंट्रोल मिलता है, ब्लैक कलर का बीच में एलिमेंट मिलता है। चढ़ते हैं भाई ऊपर। अरे भाई सही में भाई स्कॉर्पियो का जो मज़ा है ना यार, वो बिल्कुल एक नंबर है यार। बैठते ही ऐसा लगता है हम बड़ी गाड़ी में बैठे हैं, बैठती ऊंची ऊंची फीलिंग आती है अंदर से यार, ऐसी कुछ ये गाड़ी लगती है। देख लेते हैं आगे, तो लेग स्पेस की बात करें तो इतना कुछ भाई लेग स्पेस मिलता है। चलते हैं भाई आगे, तो ऐसा कुछ अपने को यहाँ देखने को मिल जाता है। ट्विन कप होल्डर्स हैं भाई, थोड़े वर्टिकल से हैं यहाँ पर। और इधर भाई पीछे भी अपने को AC देखने को मिल जाता है, AC के वेंट्स। ऐसी कुछ भाई ये गाड़ी अंदर से लगती है, और भाई बड़ी एयरीनेस फील होती है क्योंकि शीशे बड़े बड़े हैं, क्वार्टर ग्लास पैनल है, तो बड़ी बड़ी ये गाड़ी लगती है। हैंडल विद भाई हुक अपने को देखने को यहाँ मिल जाती है, ऐसी कुछ है। देख लेते हैं भाई हेडरेस्ट की तरफ, तो चारों ही अपने को एडजस्टेबल भाई, हेडरेस्ट एडजस्टेबल चारों ही अपने को देखने को मिलते हैं। बीच में हेडरेस्ट वगैरह नहीं आता, लेकिन भाई आर्मरेस्ट मिल जाता है, ऐसी कुछ भाई ये है। चलते हैं भाई पीछे, बाकी बातें पीछे करते हैं, फटाफट से चलते हैं। भाई बड़ी ऊंची फील होती है चढ़ने उतरने में, तो सच बताऊँ तो। खोल लेते हैं भाई पीछे, तो अरे भाई मज़ेदार, वही बड़ा सा अपना गेट स्कॉर्पियो का। इधर देखते हैं तो भाई हैंडल मिल जाता है, यहाँ की बात करें तो वही खोल बंद करने का और भाई लॉक का। इधर देखते हैं तो अपने को 2 स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे भाई पीछे का स्पेस कुछ ऐसा है पहले की तरह ही है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, आमने सामने लोग बैठेंगे। सीट्स की अगर बात करें तो भाई चढ़ानी उतारनी कोई भी मुश्किल टास्क नहीं है यार, वो ऊपर से ना बंद हो जाती है, ये वेलक्रो है, अभी मैं लगा नहीं रहा हूँ एक हाथ की वजह से, तो कोई भी भाई मुश्किल नहीं है इसको इन एंड आउट करना, बड़ी आराम से खुल बंद ये हो जाती है। ये कुछ भाई है चढ़ने के लिए, ग्रैब हैंडल मिल जाता है, इधर फुट स्टेप मिल जाता है, ऐसी कुछ भाई गाड़ी ओवरऑल लगती है। एक मिनट यार, हाँ मज़ा आ गया। तो ये थी भाई महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक, पुरानी वाली लुक है, लेकिन भाई छोटे छोटे एलिमेंट्स ऐड कर दिए हैं तो लुक और मज़ेदार हो जाती है। देख लेते हैं ओवरऑल, तो मज़ा भाई पुराने वाला ही है, उसमें कोई भी कमी नहीं है। और भाई इस गाड़ी का इंजन भी यार मैं खोलना भूल गया था, उसके लिए भाई सॉरी। लेकिन बात कर लेते हैं अगर इंजन की, तो भाई 2184 cc का इंजन है, 130 bhp और 300 nm का टॉर्क देता है। बात करते हैं भाई अगर ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 209 mm की भाई इसमें हमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। तो जिन लोगों को भाई बिग डैडी पे नहीं जाना, वो इस पे जा सकते हो, दोनों बढ़िया है भाई, वो अपनी जगह अच्छी है, अपनी जगह अच्छी, बुरी कोई भी नहीं है। तो भाई ये थी कुछ वीडियो इस गाड़ी की, यहाँ तक आपने देखी, यहाँ तक आए हो, थैंक यू सो मच भाइयों, वापस आते रहना, ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक यू भाइयों, बाय बाय।